दोस्तों आईटीआई एडमिशन 2023 का बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। एडमिशन्स के लिए यूपी बिहार से लेकर दिल्ली तक का तीनों आईटीआई जो कि देश के टॉप मोस्ट आईटीआई इंस्टीट्यूट्स है, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का और बिहार का, इन तीनों स्टेट्स का एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। और कौन से आईटीआई में आपको बिना टेस्ट का एडमिशन होगा और कौन से आईटीआई में आपको टेस्ट देना पड़ेगा, तो कंप्लीट जानकारी छोटी सी वीडियो में मिलेगी। 2023 का एडमिशन की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी तीसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले दिल्ली से शुरू करते हैं, फिर यूपी होते हुए बिहार चलते हैं। तो दिल्ली में एडमिशन नोटिस 2023 के अभी आना बाकी है। मई के सेकेंड वीक से फॉर्म निकलने वाला है। दिल्ली के पॉलिटेक्निक के फॉर्म निकल गए हैं और आईटीआई के अब निकलेंगे, यानी दिल्ली का आईटीआई का अभी फॉर्म निकला ही नहीं है, निकलने वाला है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो गए। लेकिन दिल्ली के आईटीआई में एडमिशन कैसे होगा, टेस्ट के द्वारा होगा या डायरेक्ट एडमिशन होगा या मार्क्स के बेसिस पे होगा, उसकी जानकारी आपको वीडियो में लास्ट में दूंगा। तो दिल्ली का आईटीआई का फॉर्म निकलने वाला ये पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि टेस्ट के द्वारा होगा या डायरेक्ट एडमिशन होगा। अब यूपी की बात कर लेते हैं, तो यूपी का भी फॉर्म निकलने वाला है। मई चल रहा है, जून आने वाला है, तो जून के फर्स्ट वीक में यूपी आईटीआई का फॉर्म निकलने वाला है। उसके बाद लास्ट डेट कुछ यूं जून के लास्ट में होने वाला है, यानी पूरे एक महीना आपको समय मिलने वाला है यूपी के आईटीआई में एडमिशन के लिए। तो टेंटेटिव डेट्स अभी है, ये सर्वज्ञान का टेंटेटिव डेट्स है कि जून के पहले सप्ताह में आपका यूपी आईटीआई के फॉर्म निकलने वाला है। तो दिल्ली में फॉर्म निकलने वाला है, यूपी में फॉर्म निकलने वाला है। अब बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार की बात करें तो बिहार का फॉर्म तो अप्रैल में निकल गया था, अप्रैल में फॉर्म निकल गया था, तो लास्ट डेट है 13 मई। 13 मई को रात को 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट आप 14 मई को भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो BCECB है, ITI कंबाइंड एडमिशन टेस्ट जो 2023 का है, उसकी लास्ट डेट 13 मई है। तो अपने दोस्तों यारों को फटाफट शेयर कर दीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। यूपी का फॉर्म निकलने वाला है, दिल्ली का फॉर्म निकलने वाला है और बिहार का फॉर्म निकल गया और लास्ट डेट बिल्कुल करीब है। तो फॉर्म जो है 13 मई को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का और पेमेंट आप लोग 14 मई तक कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट के लिए यहां पे क्लिक करेंगे, प्रोस्पेक्टस के लिए यहां। चलिए दोनों हम देखते हैं। एडवर्टीजमेंट कुछ यूं आया है और यू एडवर्टीजमेंट में दो पेज का है। इस दो पेज में इन्होंने शेड्यूल दे रखा है कि फॉर्म जो स्टार्टिंग डेट था अप्रैल से था और लास्ट डेट है 13 मई, पेमेंट आप लोग फॉर्म भरने के बाद 14 मई तक कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन एडिटिंग का ऑप्शन 15 मई से लेकर 16 मई तक, यानी दो दिन फॉर्म को करेक्शंस के लिए मिलेगा, फॉर्म को एडिटिंग, फॉर्म के सुधार के लिए दो दिन आपको मिलने वाले हैं, 15 मई मिलने वाले हैं और 16 मई भी आपको मिलने वाले। एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा 1 जून के बाद और प्रपोज्ड एग्जाम डेट है आईटीआई का टेस्ट का, वो 11 जून है। तो बिहार में आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, इसकी ये एडवर्टीजमेंट है और इसका ये प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस जो है 53 पेज का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 53 पेज का प्रोस्पेक्टस है। इसको पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड्स है, किस किस जिले में कौन कौन आईटीआई है और कौन कौन सा ट्रेड है, वो पूरा प्रोस्पेक्टस में आपको पता चलेगा। अब ये एडवर्टीजमेंट है दो पेज का, इसको देख सकते हैं। बस लास्ट डेट नजदीक है, 13 मई है, इसीलिए ज्यादा इसको शेयर करें जिससे लोगों को पता चले कि बिहार में आईटीआई के लास्ट डेट ही चल रहा है। अब यूपी में क्या होता है कि यूपी में जो एडमिशन होगा मेरिट के बेस पे होगा, यानी आपके 10वीं के मार्क्स के बेसिस पे होगा, कहीं कहीं 12वीं के भी मार्क्स पे बेसिस होगा जहां लेटरल एंट्री होगा। तो यूपी में आपको आईटीआई में एडमिशन चाहिए तो कोई टेस्ट की तैयारी करना नहीं होगा, 10वीं में जितना अच्छा मार्क्स होगा उतने अच्छे आईटीआई कॉलेज आपको मिल जाएंगे। सीधी सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है कि 10वीं में जिसका अच्छा नंबर होगा, 12वीं में जिसका अच्छा नंबर होगा, यानी मैट्रिक या इंटर में जिसका अच्छा नंबर होगा, उसको यूपी के अच्छे आईटीआई मिल जाएंगे। तो मेरिट के बेसिस पे यूपी आईटीआई में एडमिशन होगा। आप दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, यानी दिल्ली में यूपी में जो कि देश के और बहुत ही अच्छे आईटीआई कॉलेज है, आईटीआई इंस्टीट्यूट है, वहां पे बिना टेस्ट के एडमिशन होगा मार्क्स के बेसिस पे। मार्क्स जो होगा वह आपका 10वीं का कंसीडर किया जाएगा, कहीं कहीं 12वीं पे कंसीडर किया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपका लेटरल एंट्री है या फर्स्ट ईयर है या कुछ अलग स्पेशल कोर्सेज है। तो आपको पता चल गया दिल्ली में मेरिट बेस पे एडमिशन होगा यानी बिना टेस्ट का होगा, यूपी में भी मेरिट पे एडमिशन होगा, यहां भी टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट बिहार में होगा जो कि लास्ट डेट है 13 मई। तो 13 मई से पहले फॉर्म अप्लाई कर ले, रात को 12 बजे तक यानी 11:59 तक, रात को 13 तारीख को आप अप्लाई कर सकते हैं बिहार के। उसका जो टेस्ट है, जो शेड्यूल है, वो आपको मैंने पहले बता दिया है कि इसका प्रपोज शेड्यूल है जो कि 11 जून को है। तो 11 जून को टेस्ट होगा, उसके लिए आप फॉर्म भरना पड़ेगा, पेमेंट आप 14 मई तक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अब आपको आईटीआई के बारे में क्या डाउट है, कौन सा ट्रेड अच्छा है, कौन सा ट्रेड आपके लिए अच्छा नहीं है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने के अपने हिसाब से कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।